तो फाइनली गाइस गन्ना भी मिल गया, बॉल भी मिल गया, चलते हैं यहाँ से मस्त। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अनुभव शर्मा और फिर से आपका स्वागत है मेरे डेली ब्लॉग में। तो अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं और मैं उठ गया हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक बारी। तो मैंने आज का ब्लॉग नहीं डाला, तो 12 बजे ब्लॉग डल जाएगा। एडिट करूँगा ब्लॉग्स और डालूँगा अभी, क्योंकि रात को टाइम नहीं मिला था, क्योंकि लेट ब्लॉग एंड किया, फिर रात को आके सो गया। और ये भी तो है, ये देखो इसको फुल प्लेइंग मूड में। तो ये है बेला। तो जैसा कि आपने कल देखा था कि चालान कट गया था, उसके बाद मैं इसको इंजेक्शन दिलवाने नहीं ले गया था। तो आज का देखते हैं क्या प्लान होता है। पहले तो फटाफट से ब्लॉग एडिट करते हैं, डालते हैं फिर आपको। या गाइस, लेकिन जो बोलो, अगर किसी ने, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो आप बताओ कि इसको ना सब कुछ काटने की आदत होगी। देख रहे हो कैसे काट रहा है? इधर देखो, बेड वेड चप्पल वप्पल, ये देखो बॉल वायर सब काट दिया इसने सब। तो इसको देखते क्या कर सकते हैं। ये बहुत बदमाश हो गई, बहुत बदमाश हो बेला, बेला दी हश की बबली बेला। तो गाइस फाइनली नहा वहा के अप्रॉक्स 12 बज चुके और हम घर से निकल चुके हैं डोई वाला की ओर। तो मैं और भैया है साथ में, तो भैया कुछ काम से बाहर गए, तो हमारी प्लॉटिंग है डोई वाला में, तो बेसिकली प्रॉपर्टी का ही काम है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, मस्त जगह है एकदम, मतलब शांत सा जगह है, सेक्सी। तो चलिए चलते डोई वाला। तो गाइस अभी हम नहा धोवा के चल दिए डोई वाला। हम लोग द्वीप सेक रहे हैं विद इंस्टाग्रामर गौर साहब। गौर साहब, वेयर इज योर ड्रोन? वेयर? ओ माय गॉड, तो गौर साहब का ड्रोन लॉस हो गया है, बिग कैजुअलिटी। ओ माय गॉड, इधर तो ये लोग राजनीति की बात कर रहे हैं गाइस, नो इंटरेस्ट। और पीछे हमारी ओल्ड डेकोर लगी है सफारी जॉनी भैया। गाइस अभी हम आ गए थे प्लॉट पे, तो अभी यहाँ पे एक मस्त चीज दिखी, आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे हैं नन्हे मुन्हे से, आई विल शो यू। एक मिनट, लू आलू के खेत है थोड़े बहुत, फिर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ऑफिस पे लगी हुई अपनी। और ये देखो गाइस, घोल मोलू डॉगी। एक और भी ये देखो बिल्ली, गिल्लू, ये भी है। ए गिल्लू, क्या क्यूट बच्चे। तो गाइस जो भी है, चाहे कोई भी हो, ब्रीड का ले लो या फिर ऐसे इंडियन हो, सारे ना डॉग्स डॉग्स ही होते हैं। देखो इनको ना, ये भी लगा हुआ, इसको ये हटा देते हैं। ओह, मेरे हाथ में भी चुभ गई। देखो कितने प्लेफुल है सारे, मस्त। गुल्लू गुल्लू गिल्लू गिल्लू गिल्लू, देखो ना दोस्ती होगी मेरे से। तो गाइस ये देखो, इधर डोई वाला में ये अपनी प्लॉटिंग है, मस्त खेत जिसमें गन्ने वन्ने भी हैं पास में। तो अभी मूड कर रहा है एक गन्ना तोड़ लूँ, ये मोटा वाला, तो ट्राई करते तोड़ने का। और मुझे एक बॉल भी मिला है, तो बचपन में यार ये बॉल एक तो घूमता ही था, पहली बार मिला है हमें। तो चलो ये वाला गन्ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे टूटे ही कैसे वो तो पता नहीं, ये इसका जड़ ना भाई, ये नहीं टूटनी, तो बहुत टाइट है। इसको तो कुछ काटने के लिए लाना पड़ेगा, फिर ही कटे। तो फिलहाल तो चलते हैं गन्ना का प्रोग्राम। ये वाला तोड़ के देखो, टूट गई, टूट गई गाइस, टूट गई, टूट गई गन्ना, देखो तोड़ दिया। फाइनली गाइस गन्ना भी मिल गया, बॉल भी मिल गया, चलते हैं यहाँ से मस्त। नहीं तो मज़ा आ गया आज तो, फ्रेश फ्रेश। अभी इसको साफ करते हैं फिर खाएंगे। ये देखो गाइस, ये पुराने ज़माने में होता था, ऐसे सिंचाई करते थे पहाड़ों में, अभी भी चल रहा है मस्त। और क्या ग्रीनरी है। और इधर देखो मस्त सरसों के फूल, और मैं मस्त फ्रेश फ्रेश गन्ना खाते हुए, शुगर कैन। और बिहार में एक गाना भी है,
गन्ना के रस बतावा ये गुड़ी, जिसने सुना है कमेंट जरूर करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी गाना डाल दूंगा। तो गाइज अभी सोच रहा हूँ ये बॉल जो हमें मिली थी वो बच्चों को दे देते हैं, कोई बुलाते हैं। बॉल ले, मिली है उधर खेतों में, ये ले। देखो गाइस ये उसकी मम्मी खाने के इंतजार में क्यूड़ी। तो शाम हो गया, सनसेट एंजॉय करते के बाद यहाँ से निकलेंगे घर। तो यहाँ से डोईवाला में हूँ मैं, ये एयरपोर्ट के पास है, काफ़ी बढ़िया शांत सा लोकेशन है। यहाँ पे बहुत चीज़ें अभी आने वाली हैं, तो इन्वेस्टमेंट वगैरह के पर्पज़ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया जगह है। बाकी तो और सब बढ़िया, फिर चलते हैं देहरादून यहाँ से। तो यहाँ से हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग जाएंगे देहरादून पहुँचने, तो फिर पहुँच के करते हैं। अभी तो मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, तो सोच रहा हूँ एक फ़ोन ले लूँ कोई एक्स्ट्रा स्पेयर सा कोई बढ़िया। तो आप कमेंट करके बताओ। अभी ना ये डगू सबको खाना दे दिया, इनकी मम्मी भी आ गई थी, तो देखो एक और उधर है क्यूड़ी। तो गाइस अभी बच चुके हैं, अभी स्टार्ट करता हूँ गाड़ी, देखता हूँ कितना टाइम हो गया। तो इट्स तो यहाँ पे बच चुके हैं 7:07 और हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए फाइनली। तो मेरा मेमोरी सीट है 3, तो वैसे इसको सेट कर लेते हैं। ओ भाई आज तो कुछ ज़्यादा ही आगे पीछे हो गए। तो चलते हैं अब यहाँ से देहरादून। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर, और घर आते ही मेरे को अभी से ही बर्थडे गिफ्ट्स मिलने स्टार्ट हो गए, अभी मैं दिखाऊंगा नहीं। तो ये मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला है, अभी इसमें 2 चीज़ें हैं, बाकी रूम में थोड़ा चेंजेस हो गए। इधर बेलू भी आ गई है, छत पे मैं बांध के चला गया था, तो इधर टेबल भी लग गया जो मैं बात कर रहा था कि अनबॉक्सिंग वगैरह की ब्लॉग व्लॉग डालूंगा, और इधर साइड टेबल और वो बेड से मैचिंग हो गया। तो अब फटाफट से अभी तो मैं खाना वाना खा के ब्लॉग व्लॉग एडिट करके सो जाता हूँ। तो कोशिश करूँगा मैं कि डेली ब्लॉग है। बेला नो, ये भी ना इसे भी भूख लगी है, तो इसे भी खाना देंगे अभी। तो कोशिश करूँगा मैं आपसे कि इधर आ जाऊँगा जी मैं, कि ना ब्लॉग हमारे टाइम पे आ जाए, 8 बजे से 8:30, हाँ 8 बजे के आसपास डेली ब्लॉग आएगा। तो आई होप आपको डेली ब्लॉग में मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, और हो सके तो शेयर भी करो। तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स इट फॉर द डे। बेला किस दे दो, नहीं सिक चुम्मी देने का मन नहीं है, बेइज्जती करा रही है।